दोस्तों आज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां दोनों ही टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वही अगर आप भी इंडियन टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों इस समय पर टीम इंडिया की कोई सीरीज नहीं थी, जिसके वजह से अचानक BCCI ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का ऐलान कर दिया, जो कि 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी थी। आपको बता दें कि इस सीरीज का आगाज आज हुआ, जहां इस सीरीज का पहला T20 मुकाबला आज खेला गया। जी हां, आपको बता दें कि ये मुकाबला भारत के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने के साथ। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत के लिए उपकप्तान शबमन गिल के साथ में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। खास तौर पर शुरू में गिल अपना समय लेकर खेल रहे थे, दूसरी छोर पर मौजूद यशस्वी जायसवाल अपने ही अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। वही 4 ओवर के बाद में इन दोनों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। जी हां, पारी का 4th ओवर लेकर आए कमिंस के खिलाफ जायसवाल ने 4 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और दबाव को भी कम किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे गेंदबाजी कराए, क्योंकि जायसवाल ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। तो वही 5वें ओवर में गिल और जायसवाल ने टीम का स्कोर भी 50 रन के पार पहुंचा दिया था, जिसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में गिल ने भी अपने हाथ खोले और इस ओवर में गिल ने बेहतरीन 2 टाइमिंग भरे चौके लगाए, जिसके वजह से पावर प्ले के समाप्त होने तक इन दोनों ने अपनी टीम को 68 रन तक पहुंचा दिया। जिसके बाद पारी के 8वें ओवर में भी स्टोइनिस के खिलाफ जायसवाल के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के निकले और इसी के साथ में जायसवाल ने इस दौरे की अपनी पहली हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, जिसके बाद 9वें ओवर में जायसवाल और गिल ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और अब दबाव पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम पर आ चुका था। इस तरह से 10 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 110 रन तक पहुंच चुका था और अब भारत की टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंच रही थी। लेकिन 11वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और भारत को पहला झटका लग गया। बता दें कि जायसवाल को एडम जेम्पा ने अपने जाल में फंसाकर आउट कर दिया, जहां जायसवाल ने अपनी टीम के लिए 71 रन की पारी खेली, जिसमें जायसवाल के बल्ले से 5 छक्के और 7 चौके निकले और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए संजू सैमसन। लेकिन 12वें ओवर में जोश हेजलवुड ने भी टीम इंडिया को 2 झटके और दे दिए, जहां पहले हेजलवुड ने नए बल्लेबाज सैमसन को सिर्फ 2 रन के स्कोर पर LBW आउट किया और भारत को दूसरा झटका दिया, जिसके बाद इसी ओवर की 4थी गेंद पर गिल को भी आउट कर बड़ा झटका दिया इंडिया की टीम को, जहां गिल ने भारत के लिए 42 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें गिल ने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। अब क्रीज पर थे सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, जिसके बाद इन दोनों ने काफी सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और जहां हाथ खोलने का मौका मिला वहां पीछे नहीं हटे और अच्छी गेंद का सम्मान भी किया। 15 ओवर इन दोनों ने अपनी टीम को 144 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन अंतिम के 5 ओवर में सूर्या और हार्दिक पांड्या ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में काबिले तारीफ थी। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के हर एक प्लान पर पानी फेर दिया और हर एक गेंदबाज की जमकर धुलाई की, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट गेंदबाज। जहां पहले तो इन दोनों ने 17वें ओवर में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली, जिसके बाद अंतिम 3 ओवर में इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए 46 रन जड़ डाले। जी हां, खास तौर पर सूर्या कुमार यादव के बल्ले से 4 छक्के देखने को मिले, तो वही हार्दिक भी पीछे नहीं रहे और हार्दिक ने भी डेथ ओवर में 2 छक्के और 3 चौके लगाए। इन दोनों ने 19वें ओवर में अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों की इसी बल्लेबाजी के वजह से इंडिया की टीम निर्धारित 20 ओवर में
216 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 217 रन का लक्ष्य दिया। जहां आपको बता दें कि सूर्या कुमार यादव ने 48 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली सिर्फ 18 गेंदों पर। वहीं हार्दिक ने भी 39 रन का अहम योगदान दिया। गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया की टीम के ओर से हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, बाकी सबकी जमकर धुलाई हुई। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना था, जो कि आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सामने इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी थी। जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां इन दोनों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। पहले 3 ओवर में तो इंडिया ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 20 रन ही दिए, लेकिन उसके बाद में हेड ने अपने गैर बदले और अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी। हेड बेहद ही खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पर मिचेल मार्श भी अच्छे लय में थे। उनके बल्ले से भी बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके निकल रहे थे। इन दोनों ने 5वें ओवर में अपनी टीम को भी 50 रन के पार पहुंचा दिया था। हेड स्पिन और फास्ट दोनों के खिलाफ काउंटर अटैक कर रहे थे। पहले 6 ओवर में इन दोनों ने अपनी टीम को 58 रन तक पहुंचाया। हालांकि उसके बाद में अक्षर पटेल ने मिचेल मार्श को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई, जहां मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 रन बनाए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल ने हेड के साथ मिलकर अटैकिंग बैटिंग की और तेजी से स्कोर को बढ़ाया। अब हेड भी तेजी से अपनी अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया का तेजी से बढ़ रहा था। जहां 9वें ओवर में हेड ने अपनी 50 भी पूरी कर ली, जिसके बाद 10वें ओवर में मैक्सवेल और हेड ने ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने हेड को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जहां हेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 रन बनाए। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए मार्कस स्टोइनिस ने आते ही कुछ बड़े शॉट्स जरूर खेले और गेंदबाजों पर अटैक किया, लेकिन वो अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं ले जा सके और मुकेश कुमार ने उनको आउट कर दिया। जहां आपको बता दें स्टोइनिस ने 22 रन बनाए। अब लास्ट 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीतने के लिए 68 रन बनाने की जरूरत थी, जो कि इतना आसान काम तो नहीं था। जिसके बाद में जरूर अंतिम के ओवरों में मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अटैकिंग बैटिंग की और टीम डेविड ने भी उनका अच्छा साथ दिया, लेकिन मैक्सवेल को हार्दिक पांड्या ने आउट कर दिया और अपनी टीम को बड़ा विकेट दिला दिया। जहां आपको बता दें कि मैक्सवेल ने अपनी टीम के लिए 46 रन बनाए। जिसके बाद में मैथ्यू वेड और टीम डेविड ने कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन वो अपनी टीम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए और ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 203 रन ही बना सकी। इसी के साथ में भारत ने ये मैच बड़े ही आसानी से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस जीत का हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।